आज मैं आपको रोबोटिक्स की क्लास देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप कोई सा भी रोबोट, कैसा भी रोबोट बना सकते हैं घर पर ही, चाहे वो बड़ा रोबोट हो या छोटा रोबोट हो या फिर कोई भी काम करने वाला रोबोट हो। तो सबसे पहले आप अपनी एक नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रोबोट के बारे में। इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो हमारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इसके बाद आप कोई सा भी रोबोट बना सकते हैं। कोई भी रोबोट बनाने के लिए जो हम ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उनमें सबसे पहला है द मैकेनिक्स, और सेकंड नंबर पे द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, थर्ड नंबर पे एनर्जी सोर्स और फोर्थ नंबर पे द प्रोग्राम। अगर आप कोई भी रोबोट बना रहे हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो यही है, चार ब्लॉक्स की जरूरत होती है। इसकी मदद से ही रोबोट बनाया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, द मैकेनिक्स एंड द सेकंड नंबर पे द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, और थर्ड नंबर पे एनर्जी सोर्स और फोर्थ नंबर पे द प्रोग्राम। अब मैं वन बाय वन इन ब्लॉक्स के बारे में डिफाइन करूँगा कि इनके अंदर जो पार्ट्स की क्या क्या नीड की जरूरत होती है। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो ब्लॉक्स था वो था द मैकेनिक्स। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो चैसिस की। सेकंड नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ती है लीवर एंड बैरिंग्स, इसमें मैकेनिक्स में जो आते हैं। और थर्ड नंबर में जो हमारे बुश होते हैं एंड मोटर मोटर कपलर होती है, इन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। जो तो मैकेनिक्स ब्लॉक्स है हमारे, इसमें सेकेंड नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पार्ट यूज़ होते हैं? इसमें यूज होते हैं सर्वो मोटर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, और थर्ड पे मोटर ड्राइवर, फोर्थ सेंसर यूज होते हैं, और फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा लीनियर एक्चुएटर। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पार्ट यूज़ होते हैं। अब आता है हमारा थर्ड एनर्जी सोर्स जो रोबोट को दी जाती है। फर्स्ट नंबर पे बैटरी एंड पावर बैंक, और सेकंड नंबर पे चार्जर, ये रोबोट को चार्ज करना होता है, वो डाउन भी तो होता है। थर्ड नंबर पे द प्रोग्राम, सॉरी सॉरी फोर्थ नंबर पे जो हमारा ब्लॉक्स था होता है द प्रोग्राम। तो द प्रोग्राम में क्या क्या आता है? लॉजिकल प्रोग्राम आते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये दो प्रोग्राम होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रोबोट, जो जिनकी मदद से हम कोई भी रोबोट बना सकते हैं, या रोबोट को बनाने में जिन पार्ट्स की ज़रूरत होती है वो इसी बेसिक पे चलते हैं और इसी बेस पे रोबोट बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। तो इसका सेकंड पार्ट मैं निकालूंगा और डिटेल में, और क्या नीड्स होती है एक रोबोट को बनाने के लिए, और डिटेल में इस पर बात करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।